चलो खेमे डाल दो, एक जानवर हो। कैप्टन पधार रहे हैं। ए ड्रैगन, बाहर तो आओ जरा। क्या चाहिए तुम्हें? ड्रैगन, मिस ग्राइंडटूथ कहाँ है? वही तेरा के कैप्टन उससे मिलना चाहते हैं। मिस ग्राइंडटूथ नेस्तनाबूद कर दी गई। इतनी हिम्मत किसकी हो गई? दो इंजन ड्राइवर्स ने ड्रैगन सिटी के अंदर चोरी छुपे घुसकर ये काम कर डाला। क्या कहा, दो इंजन ड्राइवर्स? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ, वो दिन जल्दी ही आएगा जब वो यहाँ अपने पैदा होने पर पछताएंगे। हम हैं वाइल्ड हंटी। मोरोलैंड में मौसम अक्सर सुहावना ही होता है। हमारे यहाँ टापू में दो पहाड़ हैं, एक रेलवे स्टेशन और एक किला है। हाँ, बारिशें तो यहाँ पर भी होती हैं, पर दुखी करने वाली बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी हो भी जाती हैं, पर मोरोलैंड में खराब मौसम भी उतना खराब नहीं होता है। बस पानी खुशी से बूंदों के संगीत में चक्कर खाता हुआ बढ़ता रहता है। बूंदों की छपाछप और छत पर और खिड़कियों पर टपा टप करता पानी नालों की सुरक्षा में तालाब में जाता रहता है, जैसे कोई उन्मादी भीड़ तालियां बजा रही हो। और ऐसे ही एक बरसात के दिन हमारी ये कहानी शुरू होती है। वाओ, तुम्हें पसंद आया? हे जिम, इसे देखना जरा। ये मोरोलैंड के लिए एक नया ब्रिज है, लोहे से बना, बहुत मजबूत है। मौली और एमी उस पर आसानी से जा सकते हैं। लुक, मौली, उसकी हालत और ये अनजान सफर, क्या तुम्हें ठीक लगता है? हे जिम, अगर देखा जाए तो तुम इसे सिर्फ एक अनजान सफर नहीं मान सकते हो, ये तुम्हें कुछ और ही बना देगा। मेरी बात समझ आई? हम जल्द ही निकलेंगे, ये तय है। मौसम खराब हो रहा है, तुम अंदर चले जाओ, मैं यहाँ की क्लीनिंग कर देता हूँ। बाहर तो मौसम खराब है, बहुत तो जानलेवा है। अगर एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए और हो सके तो साथ में एक पटियाला रम का बैग। जो भी तुम चाहो माय डियर लूक। वैसे ताजा बना केक कौन खाना चाहेगा? मैं। दो जहाज, मैं जीत गया। ऐसा तुम्हें लगता है? ये तीन जहाज और एक उनका लुटेरा। मुझे जीतने देकर मुझसे कोई काम तो नहीं करवाना ना? मैं तुम्हें जिताना चाहता था, पर तुम तो वैसे ही जीत जाते हो। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इससे अच्छा तो मैं किसी ड्रैगन के शहर से लड़ लेता। क्योंकि हम ड्रैगन की बात कर रहे हैं, योर हाइनेस। लू, मुझे ऐसे मत पुकारो। लीसी, मैं तुमसे पूछना चाहता था, उस बुजुर्ग ड्रैगन मिस ग्राइंडटूथ का क्या हुआ, कैसी है वो? अभी भी नींद में ही है, वो लगभग पूरी तरह बदल चुकी है। सर से लेकर पैर तक ऐसा लग रहा है कि जैसे खाली सोने की बनी हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो एक बुरी ड्रैगन थी। पापा ने दिन रात कड़ा पहरा रखा है और उनका हुक्म है कि होश में आते ही उन्हें फौरन खबर कर दी जाए। वो एक सोने की देवी बन रही है जिसके पास हर सवाल का जवाब होगा। जिम, तुमने सोच लिया है कि तुम उससे क्या पूछोगे? हाँ। शायद यही सही होगा कि हमारे पास दुनिया के सारे सवालों के जवाब ना हो। फिर से नहीं मुझे। नहीं, फिर से नहीं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। हे मिस्टर स्लीवे, प्लीज मुझे हाथ दीजिए। आ जाओ। ओ महाराज, हाँ, संभाल कर। मिस वॉट, इन बेचारों को कुछ गर्म चाय और कुछ गर्म भी दे दो। हाँ, और सारे पैकेज इन्हें दे दो। हाँ, मोरोलैंड वासियों ने जल्दी बचाओ। हाँ महाराज, बड़ी खुशी से। संभाल कर माय डियर सर। माफ करना, मैं बस थोड़ी मदद कर रहा था। हाँ, करता हूँ। संभाल कर। नहीं नहीं मिस्टर स्लीप, ये मुझे करने दीजिए। लुक, इसे दीजिए। जल्दी करो, जल्दी करो।
ओह मिस्टर स्लेवी, आप घर जाकर रेस्ट क्यों नहीं करते? बट मैडम, ठीक है, जैसा कि आप जानती हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मेरी नॉलेज का यहाँ इस खास सिचुएशन में जो है कि सामने है, मैं वहाँ काम कर सकता हूँ। और जो बट इस खास सिचुएशन में इस प्यारे सूट और टाई वगैरह को दाग धब्बों से बचना चाहिए। सही कह रही है ये। तुम जाकर थोड़ा आराम करो, बैठो। जी महाराज, जैसा आप कहें। आओ आओ आओ। ओ मैं मदद करता हूँ, घबराओ मत, आराम से आओ। ये बहुत अच्छी और गर्म जगह है, आओ तुम जाओ। ऐसा भी होता है, एक टाइम था जब जिम छोटा था मैंने उसे पढ़ाया था, पर अब उससे मेरी हेल्प नहीं चाहिए। ईमानदारी से देखा जाए तो किसी को मेरी जरूरत नहीं है। एक लॉन्ग वॉक पर चलता हूँ, मैं बस राजा का हुक्मदार हूँ और कुछ भी नहीं। बेचारे मिस्टर स्लीव, हमें उनके लिए कोई काम ढूंढना चाहिए। जैसे कि? मुझे नहीं पता कि आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। ये हमारे यहाँ का तीसरा एक्सीडेंट है। पर इस बार ये पॉइंट बहुत शार्प था, फॉग बहुत ज्यादा घना था, मैं अपना हाथ भी मुश्किल से देख पा रहा था, और फिर मैं अचानक से नए मोरोलैंड से टकरा गया। क्या? ओह मैं भूल ना जाऊं महाराज। ये खास पैकेट जो है आपकी माता श्री की तरफ से। ओह लाओ, शुक्रिया। और लूट, ये आपके लिए है। थैंक यू। और राजकुमारी, ये चिट्ठी आपके पिताश्री ग्रेट शहंशाह की तरफ से। क्या मेरे लिए भी कुछ है? सॉरी जिम, इस बार तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। और उससे पिछली बार भी कुछ भी नहीं था, और उससे पहले भी, और उससे भी पहले भी कुछ नहीं था। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट जिम। गुड नाइट जिम। गुड नाइट। गुड नाइट जिम। मिस व्हाट, आप ठीक है? ओह लूक, मैं जानती हूँ कि गोल्डन ड्रैगन जब उठेगी तो जिम उससे क्या पूछने वाला है। और वो क्या है? उसके पेरेंट्स कौन है? वो कौन है? उसकी फैमिली कौन है? दिन रात उसके दिमाग में यही चलता रहता है। क्या जिम की परवरिश में मुझसे कोई कमी रही है? तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, मैंने देखा है कि सुबह से शाम तक तुमने उसी का ख्याल रखा है। हो सकता है ये काफी ना हो। जिम एक स्मार्ट बच्चा है, मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। और अगर उससे वो मिल गया जिससे उसकी तलाश है, अगर वो उसके जवाब से खुश ना हुआ, और अगर उसे कुछ हो गया तो? तुम भी तो इन खतरों से अनजान नहीं हो। खतरा कभी नकली दाना की तरह होता, दूर से बड़ा और भयानक, लेकिन जैसे हम थोड़े पास जाते हैं वो मामूली बन जाता है। गुड नाइट लूक। गुड नाइट मिस वॉट। आ जाओ। गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड, हमें तो मॉली के साथ घूमने जाना था। मैं अभी आता हूँ। क्या तुम्हें कोई दूसरा पैकेज मिला था? ये उस बक्से में था जो वाइल्ड 13 ने मुझे मोरोलैंड वापस आते हुए दिया था। वाइल्ड 13? पापा ने समंदर में उनका बहुत पीछा किया है, पर वे हमेशा भाग जाते हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में ना जान पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है ना। पर तुम्हारे तो पेरेंट्स हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरी माँ मर गई थी। I'm so sorry. घर में हमारे पास उनकी एक पिक्चर है। मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है, बस एक। काश मैं उनसे एक बार मिल पाती, बस एक बार। मेरी फैमिली की तो एक पिक्चर भी नहीं है। कभी मैं सोचता हूँ कि वे थे भी या नहीं।
मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ लिसी, कि मैं कौन हूं। यहां मोरोलैंड में मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला, ये पक्का है। राज के विष में मतलब विषय में, विषय में पोस्टमैन के साथ जो हादसा हुआ उससे ये धुल गया। मेरा मतलब है कि साफ हो गया कि चीजों को बदलने की जरूरत है। द यूएस ऑफ एम एंड एन एम बहुत खतरे में है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ मोरोलैंड एंड न्यू मोरोलैंड। आपको ऐसा क्यों लगता है महाराज? बढ़ना है मामलों का, मेरा मतलब है मामलों का बढ़ना। और जब से हमारे दोस्त पोंग डिंग मंडाला के महाराजा से कूटनीति की बात चल रही है, समुद्री यातायात काफी बढ़ गया है। और तब हम क्या करेंगे जब शाही जहाज नए मोरोलैंड के किनारे घूमेंगे? धमाका, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम इस बारे में जरूर कुछ करेंगे, जरूर। इसके लिए हमें चाहिए एक लाइट हाउस। ये हुई ना बात, वंडरफुल आइडिया। लेकिन हम इस लाइट हाउस को रखेंगे कहाँ? मुझे तो अभी से फिक्र हो रही है। महाराज, हम मिस्टर टर्टल को बोल सकते हैं, वो कम जगह में भी इसे बना देंगे। और जरा सोचिए, उनके पास सबसे बड़े लाइट हाउस है जो एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं। हमें सिर्फ उनको एक लैम्प देना होगा। चलो लुक, हम एमा और वॉली से एक बार फिर ये कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होगा, मिस्टर टर्टल बहुत दूर रहते हैं, बिल्कुल तपते रेगिस्तान के बीच में। हमें कुछ नहीं होगा, है ना लुक? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी से जरूरी से जरूरी काम है। लुक, तुम एमा को कितनी जल्दी जहाज पर उतार सकते हो? एकदम कल सुबह महाराज। जब छोटे उस्ताद ने बोल दिया तो हो जाएगा। तो मैं शाही फरमान देता हूँ कि मिस्टर टर्टल को मोरोलैंड लाया जाए और सरकार पर आए संकट के खत्म होने की घोषणा करता हूँ। और तुम्हारी सोच से भी जल्दी तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। चलो देखते हैं। मेरे प्यारे लोगों, मैं भावुक हो गया हूँ। महाराज, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। द यूएस ऑफ एम एंड एन एम को तुम पर बहुत गर्व है। तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? थैंक यू, कल शाही जहाज मुझे लेने आएगा। घर पर पापा मेरा वेट कर रहे हैं। क्या तुम हमेशा वही करती हो जो पापा कहते हैं? तुम तो खुश हो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ रहा जहाँ नहीं जाते। जिम, हे, तुम अपना ख्याल रखना। जो अभी तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत करो, हमारे जैसे इंजन ड्राइवर्स बड़ी मुसीबतों को भी जीत लेते हैं, है ना जिम? हम सही जा रहे हैं ना जिम? हाँ बिल्कुल कैप्टन। मॉली, तुम ठीक हो ना? हेलो, मैं तुमको बोल रही हूँ, क्या तुम मुझे हॉर्न कर रहे हो? तुम थलझीरी ना? ओह हाँ, हेलो मैडम। लुक, ये तो एक जलपरी है। ये लोग पानी के नजरिए से ही दुनिया को देखते हैं। वैसे ये बहुत अच्छे लोग हैं। तुम लोग ये अजीब सा जहाज लेकर कहाँ जा रहे हो? मॉली और एम्मा रेल इंजन हैं। ये आग और भाप से चलते हैं। मेरा नाम सुरसु लेपेची है। माफ करना दोस्तों, पूछना तो नहीं चाहिए, पर अगर आप भाप वगैरह से चलते हो तो फिर मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, चुंबक जैसी चीजों को भी समझते होगे ना? हाँ बिल्कुल। ओह प्लीज, मेरे साथ गुरुमुष्ट चुंबक पहाड़ तक चलिए ना। मेरे ग्रेट 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 दादाजी पहले समुद्री किंग ने बहुत बहुत पहले बनवाया था। ये हजारों साल पहले तक ठीक था, पर अब चारों तरफ समुद्र में अंधेरा छाया हुआ है। असल में प्रॉब्लम क्या है? जली रोशनी अब जलती नहीं है।
मुझे लगता है हम इसे देख सकते हैं, पर हम बहुत ज्यादा इसे टाइम नहीं दे पाएंगे। चलेगा। ये गले में क्या है? ओह, ये मेरा मंगेतर ओशोरी शुम है। तुमने कभी इसके बारे में सुना है? मुझे नहीं लगता। ये मुझे बहुत ही प्यारा है। 10,000 साल के बाद भी एकदम जवान है। पर बहुत चालाक। अभी तुम्हारा दोस्त कहाँ है? ये एक बहुत ही दुखद कहानी है। मेरे फादर बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। जब तक हमें अनंतकालीन क्रिस्टल नहीं मिल जाता, हम आपस में शादी नहीं कर सकते। अनंतकालीन क्रिस्टल? एक बहुत ही ना टूटने वाला खास ग्लास। वो कैसे बनता है, ये भी एक रहस्य है। पिछले 400 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं। वो तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा, मैं पक्का कह सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम समझोगे। अनंतकालीन क्रिस्टल को बनाने के लिए हमें एक बार फिर अग्नि जीवों की हेल्प लेनी होगी। 1,000 साल पहले वो हमारे दोस्त थे, पर अब वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये नामुमकिन है। ये तो चुंबकीय पहाड़ है। हेलो जी, आकर मेरी मदद करो, तुम कर सकती हो। अब तुम्हें रोशनी ढूंढने के लिए ऊपर खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। प्यारे दोस्तों, होशियार रहना। चलो देखते हैं यहाँ है क्या। लुक, ये तो कोई एंट्रेंस लग रहा है। मुझे लगता है कि हम समुद्र तट से काफी नीचे हैं। हम धरती की तरफ जा रहे हैं। क्या ये इसलिए इतना गर्म है? हम जितना अंदर जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। धरती का तट अंदर से बहुत गर्म होता है। हमें और कितना नीचे जाना होगा? ये यही खत्म हो रही है। ऐसा लगता है जैसे यहां से किसी ने कुछ हटाया हो। यहां कुछ लिखा हुआ है। ये छुपा हुआ रहस्य है। पहले किंग गुरुमुच का। जो ये समझ गया वो स्मार्ट है, जो ये मानेगा वो ताकतवर है। वो महाशक्तिशाली पावर दिन और रात उनींदी सी यहां वहां छिपी है। जब वो अलग होती है तो सो जाती है, जब वे मिलती हैं तो जाग जाती हैं। अगर हम दो सिरों को जोड़ते हैं तो वो जाग सकते हैं। हाँ,
वो लापता टुकड़े ढूंढने होंगे। बहुत अच्छे जिम। हमारा बुरा नहीं करेंगे, ये रोशनी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि इस विशाल चुंबकीय पावर की वजह से है। एक रहस्यमय शक्ति जो ओल्ड किंग गुरु मुझ की है। मोरो लैंडर्स के लिए एकदम सही। देखो इतने सारे जहाज। चुंबक ने उनकी सारी बाहरी कीलें खींच ली तो बचने का कोई चांस नहीं था। ऊपर क्या कर रही हो? चुंबक की वजह से हुआ है, पहले से कभी नहीं देखा। ओह, तुमने कर दिया, वाकई कर दिया, थैंक यू दिल से। चलिए रोशनी तो जादू ही है ना? मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। सुरसुल पितृश्री, हम यहाँ से नहीं जा सकते, चुंबक ने हमारे इंजन को खींच लिया है। नीले समंदर में स्वर्ग, अब हम इसके लिए क्या करेंगे? हमें एक बार फिर से लाइट्स ऑफ करनी होगी। लेकिन फिर अगर कोई हो जो हमारे दूर जाने के बाद इन्हें फिर चालू करते हैं? इसके अलावा उसे यहीं रहना होगा ताकि फिर कभी जरूरत पड़े तो इसे बंद कर सकें। और कोई ऐसा जो इनकी गर्मी बर्दाश्त कर सके? मेरा उशु ऋषो, वो अपनी शील्ड में सुरक्षित है, कर लेगा। पर तुम्हारे लिए ये जानलेवा हो सकता है, ऐसे तुम कभी नहीं मिल पाओगे। पर मैं उसे कम से कम दूर से तो देख पाऊंगी ना जब वो यहाँ खड़ा होगा। दोस्तों आप मेरी चिंता ना करें। सुरसुल पितृश्री रुको, हम कोई और रास्ता खोज लेंगे, पक्का खोज लेंगे, मुझे विश्वास है। वादा करते हैं कि समुद्र फिर से रोशन होगा। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, शुभकामनाएं। चलो जिम, इसे बुझाते हैं, कुछ मोमबत्तियां जला लेते हैं। मॉली, सब ठीक है ना? मॉली, तुम ठीक हो ना? हमें अंधेरा होने से पहले यहां से निकलना होगा।
जिम! लुक, तुम्हें लगी तो नहीं ना? बाल बाल बचाओ, पर तुमने किया क्या? पहाड़ की चोटी के दोनों अपोजिट साइड पर मुझे ये दो टुकड़े मिले। अभी मैंने इनको बस हथौड़े के साथ जोड़ दिया, पर अचानक लुक, तुमने इनकी पावर देखी? इसने अम्मा को भी ऐसे खींच लिया जैसे ये कुछ ना हो। जैसे वो कुछ नहीं थी। सही है, सही है, सही है। हाँ मेरी प्यारी, बस थोड़ा सा बताओ, मेरी छोटी गुड़िया, हमें बहुत मजा आएगा। हमें बहुत मजा आएगा छोटी गुड़िया। जिम, उठ जाओ। जिम उठो। अम्मा को तुमने क्या बना दिया? एक कभी ना रुकने वाली मशीन, एक आविष्कार जिसे मैंने तुमसे सीखा है। और ये कभी ना रुकने वाली मशीन करेगी क्या? ये हमें असीमित एनर्जी देती रहेगी। अगर ये काम कर गया जिम, तो अम्मा को कभी कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। हाँ, बस इसमें एक ही समस्या है, इसको करने के लिए मौलिक को डिसमेंटल करना होगा। डिसमेंटल? फिर हम मौलिक को वापस कैसे ले जाएंगे? हम नहीं ले जा सकते उसे, यहीं छोड़ना होगा। तुमने खुद देखा है कि चुंबक कितना स्ट्रांग है, यह खतरा हम नहीं उठा सकते। मौलिक के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। I'm so sorry. नहीं मौली, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। हम बस थोड़ी टाइम के लिए जा रहे हैं और जल्दी लौट आएंगे। जानो मत प्लीज। प्यारे अजनबी, अगर आपको मौली मिल जाए तो प्लीज इसे यहीं रहने देना, हम इसे लेने जल्दी वापस आएंगे। जय मौलोक। तो मौली की चिंता मत करो, अगर हमारी ये छोटी सी खोज कामयाब रही तो हम मोरोलैंड से भी कम समय में वापस आ जाएंगे। रेडी? और भी तेज होगा।
जिम। अगला स्टॉप मिस्टर टूटू का रेगिस्तान। वो बच्चा जिसने हमें ड्रैगन सिटी से छुड़वाया था, उन्होंने मुझे सिंदूरी पताका वाले जहाज के बारे में बताया था, पर तुमने भी अभी उसे देखा था, है ना लूक? हम रेगिस्तान के बीचों बीच है जिम, वो मृग तृष्णा थी जिसे मिराज भी कहते हैं, रेगिस्तानी भ्रम, हमने पहले भी मिराज देखे, तुम भूल गए क्या? सब कुछ ठीक है मेरी प्यारी बच्ची। I'm sorry, अम्मा। बोल रहे मिस्टर टूटू। मैं तुम्हें अपने घर से जाने के लिए क्या करूं? मेरे पानी दुष्ट दुष्ट जानवर बेचारे, क्या परेशानी है इन्हें? मुझे जाने दो, दुष्ट आत्माओं क्यों मेरा पीछा कर रही हो? क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? अगर तुमने हमें बढ़िया सा नाश्ता नहीं दिया तो ऐसा हो भी सकता है। ये हम हैं तुम्हारे दोस्त जिम बटन और लूक। नहीं, ये झूठ है, इतनी ऊंची नीची घाटी को कोई पार नहीं कर सकता, तुम सिर्फ रेगिस्तानी भ्रम हो। चलो फिर दो दो हाथ हो जाए। ये तो वाकई तुम दोनों हो, मेरे दोस्त जिम और लूक। इसका मतलब तुम दोनों मुझे भूले नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर टूटू, पर यहाँ हो क्या रहा है? एक दुष्ट जानवर ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, भयानक बड़े जबड़े वाला, आग और धुएं के साथ गुर्राता है वो। एक जानवर जो धुआं बोलता है? ये तो कोई ड्रैगन लग रहा है। हाँ, एक ड्रैगन, गंदा बद्दा ड्रैगन। हमने ऐसे बहुत से जानवरों को ठीक किया है ना जिम? जिम, अगर मुझे थोड़ा सा भी मनपसंद खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ने बमुख। अरे रुको, भयानक जानो, मुझे छोड़ दो, भयानक दानव। मुझे छोड़ दो, मैं छोटा सा दानव हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? ये मैं हूँ जिम। ये एक दानव की चाल है, पर मुझे नहीं ढूंढ सकते तुम, वे अभी ड्रैगन गायब होने का उस्ताद होते हैं, मैं गायब हो जाऊंगा, ये देखो। ने बमुख, मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूँ। क्या सच में? जिम, मेरे यार जिम, ये तुम हो। पर हमें यहाँ से भागना होगा, यहाँ बाहर एक भयानक दानव है, वो मार मार कर हमारा भुर्ता बना देगा। नेपोमुक, इसे कहते हैं असली सरप्राइज। वो रहा दानव। नेपोमुक, वो एक इंसान है, वो कोई दानव नहीं है, ये भी वैसे ही डरा हुआ है जैसे तुम उससे डरे हो। मुझसे डरा? मुझसे?
ये इतना लंबा चौड़ा डड़ियल बुड्ढा, इसको लगता है कि तुम वाकई ड्रैगन हो। सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज तक मुझसे कोई भी नहीं डरा। मैं सोचता था मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ। ये ड्रैगन के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि तुम मुझसे डरे। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। डरावनी बातें बहुत हो गई। अगर अभी भी तुम एक दूसरे से डरते रहे तो तुम्हारे दोस्त बनने के कोई चांस नहीं है। दोस्त? हाँ दोस्त, तुम मानो या ना मानो तुम में बहुत कुछ कॉमन है। सच में? हाँ, तुम एक ड्रैगन हो पर तुम सच में नहीं हो। तुम एक दानव हो जो कि सच में नहीं है। तो तुम दोनों एक जैसे हो। अगर आप अनोखे होते हैं तो अक्सर अकेले ही रह जाते हैं। हाँ, बात सच है। कृपया मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें डराया था। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। उसके लिए कोई बात नहीं, छोड़ दो वो बात। पर तुम्हारी ये जगह काफी गर्म और अच्छी लग रही है मुझे। ओह थैंक यू। यहाँ सिर्फ एक परेशानी है, रेत, जो कभी कभी ज्यादा हो जाती है। वैसे दोस्त, तुमने मेरे दांतों का खिटखिटाना सुना है ऐसे। और मुझे ताजा लावा बहुत ज्यादा पसंद है। मैं स्वादिष्ट खाना भी बनाता हूँ और मैं तुम्हें वो बनाना भी सिखाऊंगा। बहुत अच्छा रहेगा, शुक्रिया। इस रेगिस्तान में ताजा झाग वाली कॉफी से अच्छा और कुछ भी नहीं रहेगा। और साथ में कुकीज, नारंगी के टुकड़े और मक्खन। और मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ खास है, भुने हुए रेगिस्तानी बीज। ओह थैंक यू मेरे दोस्त। ये बहुत ही टेस्टी है सही में। तुम जब ये मॉर्लैंड में दोस्तों के लिए बनाते, सच कह रहा हूँ, मिस वॉट तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाती हूँ। मॉर्लैंड, मैं सोचता हूँ कि कितना रोमांचक होगा वहां पे जाना। मिस्टर टर्टल, क्या आप हमारे साथ मोरोलैंड चलना चाहेंगे? मैं चल सकता हूँ तुम लोगों के साथ मोरोलैंड तक। हमें जल्दी वहां पर एक लाइट हाउस चाहिए, ताकि जहाज धुंध में भटककर हमारे टापू से न टकराए। एक हाथ में रोशनी के साथ तुम ये कर सकते हो। और फिर तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। लेकिन मोरोलैंड के लोग, वो मुझसे डरेंगे नहीं क्या? मोरोलैंड एक बहुत छोटी सी जगह है, वहां कोई तुमसे नहीं रहने वाला है। तो तुम्हारा क्या कहना है? मेरे आदरणीय दोस्तों, हाँ, 1000 बार हाँ, तुम दोनों का शुक्रिया, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। गुड, दिन छुपने के बाद हमें निकलना चाहिए, तब इतनी गर्मी भी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा आइडिया है मिस्टर लूक। रेगिस्तानी भ्रम यहाँ बुरे से बुरा होता जा रहा है। ये रेगिस्तानी भ्रम कभी सच भी दिखाता है क्या? वो बहुत कपटी होते हैं जिम। अक्सर मासूम मुसावर इनके बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी सच दिख भी जाता है उन लोगों का, या फिर कभी कभी हमारे भविष्य के बारे में भी बता देते हैं वो। जिम, वो सारे लड़ाकू जहाज वाइल्ड 13 के दम पर है और उनके गिनती के दिन बचे हैं। पर वो हमेशा बच निकलते हैं, और अगर वो बच्चों को किडनैप कर सोरोलैंड ले जा रहे होंगे तो क्या? नहीं, तुम लोगों को सोरोलैंड से दूर रहना चाहिए। जब से तुम लोगों ने मिस ग्राइंड टूथ को पछाड़ा है, ड्रैगन गुस्से से पागल है, और अगर तुम उन्हें गलती से मिल गए तो वो तुम्हें जिंदा भून के खाएंगे। तुमने अपना ज्वालामुखी पर्वत क्यों छोड़ा नेपुमुख? उन्होंने तुम्हें निकाला था, ये सच है ना? उन्होंने किसी तरह मुझसे पता लगा लिया कि मैंने तुम लोगों की हेल्प की थी, और वो चाहते थे कि मैं तुम्हारा नाम बता दूं। उन्होंने मुझे गद्दार घोषित करके देश निकाला दे दिया। उन्होंने मुझसे मेरा प्यारा ज्वालामुखी पर्वत भी छीन लिया। हमें ये सब ठीक करना होगा। इसे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां ये उनसे सुरक्षित रह सके। एक ऐसी जगह जो अच्छी गर्म और अंधेरी हो और सोरोलैंड से दूर हो। रुमो चुमकीय पहाड़। हाँ। बहुत खूब जिम। क्या? मैं नहीं जानता जिम, पर यह बहुत जिम्मेदारी का काम है। क्या हमें इसे देना चाहिए? मैं कर लूंगा और मैं ठीक से करूंगा। वैसे करना क्या होगा मुझे? करो मच्छुम्बा के पहाड़ पर एक नया गार्ड चाहिए। एक घटिया पहाड़ हिंसक बारबेरियन समुद्र में, जो बहुत भद्दा, बहुत गर्म और बहुत ही गंदा है। मैं खुद वहाँ एक लावे का कुआं खोद लूंगा। ऐसा मौका अधिकतर बड़े और कमीने ड्रैगन को मिलता है। मुझे मौका दे दो प्लीज। मैं वादा करता हूँ, मैं निराश नहीं करूंगा तुम्हें। गुड, फिर बात पक्की।
पक्की, ये बात पक्की, बात पक्की, मेरे खुद का घर होगा वहां पर, बात पक्की। ये जगह कितनी बुरी है। अरे यार तुम्हें देखना चाहिए, ये कितनी बदबू है। अरे आप लोग वापस आ गए प्रीतिश जी, समुद्री लाइट्स के लिए एक नया गार्ड मिल गया है। कैसे एक सेकंड यहाँ आना, आ रहा हूँ। तुम्हें वहाँ देखना चाहिए था कि जलचर अग्निचर। हाँ मैं जल्दी एक भयानक ड्रैगन बनने वाला हूँ, बहुत जल्दी। ए तुम चुप भी रहो गंदे राक्षस। ओ तारीफ के लिए शुक्रिया। अग्नि जर सर से लेकर पैर तक बुरे होते हैं। वैसे हाँ, हो क्या रहा है? हेलो, पानी और आग तो बिल्कुल दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे। क्या तुम में से कोई भी आज तक किसी असली जलजीवी या अग्निजीवी से मिला है? नहीं। फिर यही वो समय है जब तुम्हें खुद अपनी समझ बनानी होगी। हमारी एमा इसका उदाहरण है, पानी और आग के बिना वो नहीं चल सकती। और नेपोमुक, क्या तुम्हारी माँ एक दरियाई घोड़ी नहीं थी? तुम खुद भी तो सिर्फ आधी जलजीवी हो। पानी से नहाकर तरोताजा होने से बेहतर और कुछ नहीं है। वैसे असली ड्रैगन कभी नहीं नहाते, ये बात तुम्हें अपने दिमाग। बचाओ 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 बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ। वाह, मैं तैर भी सकता हूँ, मैं तरंगे भी बना सकता हूँ। तरंगे तरंगे तरंगे। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। वैसे वो चमकती नीली चीज क्या है पीछे? मैं मौली को लेकर आता हूँ। अनंतकालीन क्रिस्टल, ड्रैगन सर, क्या मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रख लो इसको। मैं और मेरा मंगेतर इसे पिछले 400 साल से ढूंढ रहे हैं, हमारी शादी हो जाएगी। लुक लुक, वाइल्ड 13 ने मौली को किडनैप कर लिया। ये नहीं हो सकता। जिम और लुक गद्दारों, तुमने मिस ग्रैंड टूथ को निस्त नाबूद किया ना, अब तुम्हें अपने उस किए पर 1000 गुना पछतावा होगा। वाइल्ड 13 को बताया कि हमने मिस ग्रैंड टूथ के साथ क्या किया। इन लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। हम मौली को वापस लाएंगे, ये मेरा वादा है। पर कैसे? सोने की वो इच्छा पूर्ण ड्रैगन देवी अब जरूर उड़ गई होगी, हमारे हर सवाल का जवाब वही है। माफ करना मिस, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने मंगेतर से मिलने की जल्दी है, पर मेरा एक काम करेंगी? हमारे दोस्त मिस्टर टूटूर को एक छोटे से द्वीप मोरोलैंड जाना है। मैं उसका इंतजाम कर दूंगी और उसके लिए सबसे तेज समुद्री घोड़ा ठीक रहेगा। और उर्चु रेशम का क्या होगा? मैंने 400 साल इंतजार किया है, अब एक दिन और सही, मुझे तुम्हारी हेल्प करना अच्छा लगेगा। शुभकामनाएं मेरी समुद्री दोस्त। और डेपोमुक, याद रखना मैंने क्या कहा था, अगर कोई जहाज तुम्हारे नजदीक आए तो रॉक शाफ्ट को नीचे करना। और मेरे प्यारे दोस्तों चिंता मत करो, शुरसा लुरशा और शुवेरी उस शेर मेरी हेल्प करेगी। सुरसुलु पिची और उर्शुरिशु, वही कहा मैंने भी। मिलते हैं दोस्त। शुभकामनाएं मेरे दोस्तों और थैंक यू सो मच। आप फिर आ गए पापा। जिम, इतना अच्छा मौसम है ना, ऐसा मौसम कभी-कभी होता है। महाराज, ओ मेरे प्यारे जिगरी दोस्त, मेरी बेटी के मसीहा। ओ पिंग पोंग मेरे छोटे दोस्त, तुम तो वाकई बड़े हो गए हो। जिम, लुक, उच्चतम रेल इंजन के रेस्पेक्टेबल ड्राइवर्स स्वागत है। क्या बात है मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ साफ देख पा रहा हूँ। वाइल्ड 13 ने मौली को किडनैप कर लिया।
अब समय आ गया है कि कोई उनको अच्छा सबक सिखाए। हाँ, हमारे बेहतरीन युद्धपोत उन समुद्री लुटेरों को ढूंढ रहे हैं, पर वो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। हो सकता है वो ड्रैगन हमारी हेल्प करते। वो अब कैसी है पिंग पॉंग? जब वो सो रही थी तो मैं खुद उनकी देखभाल में लगा था जिम। शाम को 3 से 5 बजे मंकी आवाज में जब मैं सोने गया तो सबसे सजग आदमी वहाँ बैठा कर गया था। मैंने निजी तौर पर सजग लोगों को उसकी देखभाल में रखा हुआ है। क्या तुम हमें उसके पास ले जा सकते हो? दोस्तों मेरे साथ आइए। आइए दोस्तों आइए। मिस ग्राइंड टूथ, हे इच्छा की स्वर्ण देवी, प्लीज उठिए। हाँ, तो तुम आ ही गए जिन्हें मैं अपना मसीहा मानती हूँ। अब पहेली हल हो जाएगी। ड्रैगन, क्या तुम्हें पता है हमारा प्लान क्या है? वो मैं थी जिसकी शक्तिशाली रियासत समुंदर में गहरी डूब गई। मुझे सब दिख रहा है, वो सब एक गोल गोले में परिवर्तित है। मुझे सब दिखता है। फिर हमें वाइल्ड टेरा को कैसे खोजना शुरू करना चाहिए? एक हथियारों से भरा जहाज जिस पर ब्लू कलर हो जैसे समंदर की लहरें होती हैं, उसका रूप बदल जाएगा, ऐसे मुश्किल से दिखाई देगा। उसे हवा और लहरों पर बेलगाम छोड़ दो। अगर एक बार भी किसी ने आपा खोया, अपनी जिद से पतवार को हाथ लगाया, तुम अपनी मंजिल से भटक जाओगे। हवा ही तुम्हें रास्ता दिखाएगी जब तक तुम खूनी लाल जहाज न देख लो। ध्यान रहे, वाइल्ड तेरा की सेना बड़ी निर्दयी है जो आज तक किसी से नहीं हारी। वो अजय किले के तूफान वाले हैं, खतरनाक जमीन की आंखों वाले। ऐसा ना हो कि हार जाओ। क्या हम ये लड़ाई जीत जाएंगे? जो जीतेगा वो हारेगा, जो हारेगा वो जीत जाएगा। लड़ाई के बीच भीड़ में तुम्हें एक सितारा दिखेगा, खून की तरह लाल, जिसमें 5 कोने होंगे। वो सितारा हासिल करो जो तुम्हारे माता पिता का राज तुम्हें बताएगा। लुक, क्या तुम ये सब समझ गए? नहीं, पर ड्रैगन ने पहले भी हमारी हेल्प की है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। बहादुर दोस्तों, आपको एक जहाज और एक हथियार चाहिए। मेरे शाही महाराज, आपकी आज्ञा से मैं सारी चीजों का प्रबंध कर दूंगा। हमारे दोस्तों को जो कुछ भी चाहिए सब दिया जाए। पिंग पोंग, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं ये उड़ गया। हम ये साथ में कर गुजरेंगे। चलो वाइल्ड टेरा को सबक सिखाते हैं। नहीं मेरी प्यारी, ये लड़ाई हमें तुम्हारे बिना ही लड़नी होगी। हम मौली को वापस लाएंगे और ये मेरा वादा है। अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची। स्वर्ण इच्छा देवी, मैंने आज तक इतनी सुंदर चीज नहीं देखी। प्रिंसेस लीसी, हाँ? मुझे माफ करें, मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी। जब तुम छोटी थी तब सोरोलैंड में मेरे स्कूल में आई थी। अब ये तुम्हारा अविश्वसनीय भाग्य है कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा। ये सब पुराणों के अंदर लिखा है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ मैं हूँ, गोल्डन ड्रैगन। अरे अरे
मुझे लगता है ये रास्ता उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा महाराज, लेकिन उन्हें इस रास्ते से जाना चाहिए। पापा, उसने मुझसे बात की, मुझे जिम के लिए एक मैसेज दिया है, मुझे वो समझ नहीं आया, पर थोड़े समय में मैं उसे समझ जाऊंगी। तुम फिर उस ड्रैगन के पास गई? भूल गई मैंने तुम्हें मना किया था? मुझे जिम के साथ जाना होगा, मेरे अलावा कोई भी यह मैसेज उसको नहीं दे पाएगा। मैं तुम्हें एक बार लगभग खो चुका हूँ, अब दोबारा मेरा बूढ़ा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये कुछ बहुत ही बड़ा है, मुझे उसके साथ जाने दीजिए प्लीज। कैप्टन, अभी से मेरी बेटी का तुम्हारे जहाज में जाना सख्त मना है। किसी ने भी इसे जहाज में जाने दिया तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आप मुझे रोक नहीं सकते, अब आपका कोई भी हुक्म मुझ पर नहीं चलेगा। बहुत जिद्दी, बहुत अड़ियल और बहुत ही बहादुर भी, ये एकदम अपनी माँ की जैसी है। तुम हार गए, मैं जीत गया। मैं नहीं, क्यों किया तूने? जाओ, नहीं तो अगली लड़ाई तुम्हारे साथ मैं करूंगा। शांत हो जाओ। शांत, हम 3 दिन से यहाँ खड़े हैं, मुझे लग रहा है हमारे साथ धोखा हुआ है। यदि हम रास्ता बदलेंगे तो हार जाएंगे। हमें ठीक वैसा ही करना है जैसा हमें ड्रैगन ने कहा था। क्या इससे पहले तुमने कुछ सुना है? ड्रैगन का आदेश, मैं कैप्टन हूँ और ये मूर्खता मैं और नहीं मानूंगा अब। नहीं, हे मेरे देवता, ये घूम क्यों नहीं रहा है? किसी ने पतवार की चेन को बांध दिया है। कैप्टन, लेसी, प्रिंसेस, प्रिंसेस, मेरे 4 बेस्ट गार्ड पहरे पर थे, आप उन्हें बेवकूफ बनाकर अंदर कैसे आई? कोई बात नहीं, अब मैं सब देख लूंगा। कैप्टन, तुमने सुना नहीं जिम ने क्या कहा? हमें वही करना है जो ड्रैगन ने कहा है। जहाज को मोड़ लो, हम राजकुमारी को घर ले जा रहे हैं। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। तुम सारी चीजें उस समय बर्बाद नहीं कर सकते जब हम लक्ष्य के बहुत करीब हैं। जिम, ड्रैगन ने मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। कैप्टन, वो आ रहे हैं। हम लोग एक पोस्टल पैकेट में बच्चे को डालकर भेज देते हैं। उन्होंने हमें छिपे रंग में भी ढूंढ लिया। सब मोर्चे पर आ जाओ, तोपे तैयार कर लो। जी कप्तान, हो जाओ, चलो चलो जल्दी करो, दुश्मन हमारे सामने है, चलो 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 जल्दी चलो दोस्तों, जल्दी करो, दुश्मन सामने है, जल्दी करो, चल दे चल दे, तोपे तैयार रखो दोस्तों। उन्होंने जहाज में कवच लगा रखा है। ये सब तो एक जैसे दिख रहे हैं। मॉली, मॉली बाय। रोक
कलरफुल सितारे, खूनी लाल सितारे। इधर आओ जंगली चूहो, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम नहीं बचोगे। माता मेरी प्राण है। रुक जा लड़की, मुझे तुम्हारा जहाज लाओगे। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो, जरा जल्दी चलिए राजकुमारी जी। मैं तुम्हारी राजकुमारी नहीं हूँ। ध्यान से हमें जिंदा चाहिए, ड्रैगन हाउस से उबल रहे हैं, उनका मान हमको देना है। चलो आगे चलो। एक के बाद एक, कोई जल्दबाजी नहीं। एक के बाद एक नीचे जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। ये रहा वो, इस सरदर्द को मैं बांध देता हूँ और इस पर मैं नजर रखूंगा। देखो ने। हंगामे के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, हम घर की तरफ जा रहे हैं। नीचे के हिस्से को ऊपर खींचो भाइयों, और हवा के रुख को देखकर चलो। तुम लुटेरों पागल हो गए हो क्या? वो तूफान हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हाँ ऐसा ही होगा। पतवारों को नीचे छुपा दो, कितनी मस्त पतवारे हैं। के पकड़ो,
मॉली, हम तुम्हें ले जाएंगे, चिंता मत करना। बाकी सब कहाँ है? लाओ एक दो चुटकी दो ना, कंजूसी मत करो। हम जीते हैं एक तरफ। समझती वो हथियारों का ध्यान रख सकती है और वो मोटा खाना पकाने में मेरी हेल्प थोड़ी मेरे लिए छोड़ दो और कैप्टन के लिए रास्ता छोड़ो। भाइयों, दुनिया में बहुत जुड़वा है, कोई दो है, तीन है, चार है और पांच भी, पर हमारे जैसा गैंग मुझे रोमांचित कर जाता है। एक जैसे 13 दुनिया में एक ही बार हुए हैं। तो उठाओ जाम। मैं का तूफान साया है। जब मैं बियर से भरे ड्रम के बारे में सोचता हूँ जो लास्ट टाइम ड्रैगन मार्गन लाए थे, मेरा मन भारी हो जाता। हमने मिस ग्राइंड टूथ को तबाह करने वाले को पकड़ लिया है, उसके लिए भी ड्रैगन हमें बड़ा इनाम देंगे। इससे पहले तो हम रम में नहा लेते हैं। क्यों भाइयों, वो जो जहाज पे लड़का था वो तुम लोगों को कुछ जाना पहचाना नहीं लगा? हमने ढीठ बच्चों के एक झुंड को ड्रैगन को भेजा था, याद है? हाँ मुझे पता है, तुम भूल गए कि हमने उसे पानी में खत्म करके वो टोकरी अपने पास रख ली थी। वो अभी भी हमारे खजाने में होगी कहीं। मुझे तो याद है उसके साथ एक लेटर भी था। तुमने कब पढ़ना सीख लिया? तुम सब एक ही अक्षर पढ़ना जानते हो। लेकिन तुमने कब पढ़ना सीख लिया गवार? क्या बोला तुमने? हाँ, अभी बताता हूँ, तुम नहीं पढ़ सकते। क्या बोला? मुझे पता है तुम नहीं पढ़ सकते। ठीक है ठीक है, तुम मेरे कैप्टन हो फिलहाल के लिए। मुझे पीछे से मारते हो गंदे बदबू। कैप्टन दूसरा भी दू सितारा हासिल करें। मैं कब से मिले हो अभी के लिए? बस हो गया तुम्हारा समय ऊपर हो गया। बहुत हुआ डेवी जोन्स, डेविल बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। तो फिर तुम्हारा सितारा कहाँ पे है भयंकर मछली? मैं हूँ तुम्हारा कैप्टन। अरे मैं हूँ तुम्हारा कैप्टन। और ऊपर लूक, लूक, लिजी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जिम, 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 हम यहाँ हैं। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। लूक, लुटेरों के यंग का क्या हुआ? वो अभी थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। उनके पास अभी भी वो लकड़ी की बास्केट है जिसमें से मुझे समंदर में बहाया था। वो उनके खजाने वाली जगह पर है और वो लेटर भी उसी में। चलो को ढूंढते हैं, हम इंतजार किसका है? हे कैप्टन, जरा उन लुटेरों पर नजर रखना। जिम, लिसी, जरा इधर तो देखो।
इतना सारा खजाना। वो बास्केट वाइल 30 ने जरूर यहीं कहीं छुपाया होगा। मुझे कुछ मिला है। लेटर को ढूंढो। जिम, ये कौन है? तुम्हारे पेरेंट्स। वो लेटर। हे अजनबी, अगर तुम्हें ये बच्चा मिल जाए और इसे जो भी प्यार करे और अच्छी सीख के साथ पालेगा, उसे उसकी इस भलाई के लिए भरपूर इनाम दिया जाएगा। यदि किसी ने इसे नुकसान पहुंचाया, बुरा सुलूक किया, तो उसकी सारी ताकत और सपोर्ट इस बच्चे के जो उल्टा है वो सीधा होगा कि वरदान से छिन जाएगा। और ये है इस बच्चे के पैदा होने का राज। 3 संत लोग बच्चे को देखने आए थे, उसे कुछ देना था। उसमें से एक काला था जिसका नाम कैस्पर था। ये राजा अपना भरा पूरा साम्राज्य ड्रैगन द्वारा समुद्र में डूबने से खो चुके थे। तब से किंग कैस्पर के वंशज अपने खोए राज्य की जमीन की तलाश में भटक रहे हैं, जिसका नाम चंबाला है। ये बच्चा किंग कैस्पर का अंतिम वारिस है और भविष्यवाणी के अनुसार ये चंबाला को जरूर ढूंढ निकालेगा। हम इसे गॉड के हाथों सौंप रहे हैं, इसके लिए इसका नाम होना चाहिए प्रिंस मायरी। प्रिंस मायरी, तुम एक प्रिंस हो। मैं? और प्रिंस? ये नहीं हो सकता। ये सब यहाँ लिखा है जो तुमने अभी अभी देखा। ये तो चमत्कार हो गया मेरे बच्चे, अब तो तुम असली प्रिंस बन गए हो। कमाल के प्रिंस लग रहे हो। ब्ली में ये क्या है? मेरा तो हाथ भी नहीं मुड़ रहा। तूफान, आग और तेजाब, वाइल्ड तेरा आज तक किसी से नहीं हारे। लेकिन ऐसी कौन सी तूफानी शक्ति है जिसने हमें काबू में कर लिया? वो मैं हूँ। अपना मुंह बंद रखो, मैं तो कहता हूँ इनको मार देते हैं, इन्हें शार्क के आगे फेंक देते हैं जैसे हमें फेंकना चाहते थे। तो फिर करो ना, हमें तख्ते तक तो ले जाओ, मैं उन्हें कुत्ते की तरह इन लोगों ने हमें किडनैप करके मिस ग्राइंड टूथ को सिर्फ 1 ड्रम शराब में बेच दिया था। जिम, इनका लोगों में आतंक फैला हुआ है। इन्होंने बहुत से घिनौने काम किए हैं, पर इन्होंने मेरी जान तब बचाई थी जब मैं एक छोटा बच्चा था। तुमने इन्हें हराया जिम, तुम ही फैसला करो। हाँ, मुझे पता है कि बिना नाम के जीना क्या होता है। जब तुमने बॉक्स में छोड़ा था तो मेरा कोई नाम नहीं था, पर मुझे एक परिवार मिला और उन्होंने मुझे एक नाम दिया। अगर मुझे ये तय करना है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। क्या? हमें? और मैं तुम्हें नाम भी दूंगा। तुम सबको अपना एक नाम मिलेगा, ये उसके यहाँ लिखे अक्षर से शुरू होगा। यहाँ एक अक्षर लिखो। अब से तुम्हारा नाम एंटोनियो है। एंटोनियो?
मुझे बहुत अच्छा लगा। हो मुझसे सब्र नहीं हो रहा, पता नहीं मेरा क्या नाम होगा। एंटोनियो, भाई वाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरे भाई। देखते हैं तुम्हें क्या नाम मिलता है। ज़ुबेरियो। ज़ुबेरियो, मेरा नाम ज़ुबेरियो। इग्नासियो। या, मैं इग्नासियो हूँ। सलाम करता हूँ तुम्हें ज़ुबेरियो, मेरा नाम है इग्नासियो। लुडोविको। लुडोविको, क्या नाम है लुडोविको? मेरा नाम है लुडोविको। मैक्सिमिलियानो। मैक्सिमिलियानो। फर्नांडो नाम है मेरा भैया, सुना किसी ने? सेबास्टियानो। सेबास्टियानो, रुडोल्फो। जिम बटन, हमारा मरना तो बिना किसी शक के तय है। अगर हम कभी भी हारते तो वो वाइल्ड तेरा का अंत होता, ये हम अपनी माँ की कसम उठा कर कह रहे हैं। हम जंगली हैं, हाँ है, लेकिन हम दरिया दिल भी हैं। अगर कोई हमारे साथ हो तो हम तुम्हें तुम्हारी आजादी भी देंगे, आपको अपने घरों को वापस छोड़कर आएंगे, और जब हम अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे, हम अपने जहाज को उत्तर की तरफ मोड़ देंगे और हम हमेशा अगले बर्फ में जाकर जम जाएंगे। नहीं, तुम्हारी किस्मत कुछ और है जिम। ड्रैगन का तुम्हारे लिए जो लास्ट मैसेज था वो अब मुझे समझ आ गया है। हजारों साल पहले गुस्से में आकर ड्रैगन्स ने जंबाला की सुंदर धरती को समुन्दर की लहरों में डुबा दिया था। जब से वो समुन्दर के तल में इंसानों की नजरों से छुपी हुई है, या अभी भी वैसी है, जबकि ऐसा होना नेचर के खिलाफ है। वहाँ किले के अंदर बेहद रहस्यमय 12 कॉपर के दरवाजे हैं। सारे 12 दरवाजे एक साथ खुलने चाहिए, पानी का तेज बहाव अंदर आएगा, उस धरती में भर जाएगा जो डूबी नहीं है। ऐसे जंबाला दोबारा गहरे समंदर से वापस सतह पर आ सकता है, जो कि बहुत खतरनाक काम है। ये वही 12 कर सकते हैं जो सोचते हैं कि वे 13 हैं। उनमें ये करने की ताकत और हिम्मत दोनों होगी। जो बंधा था वो मुक्त होगा, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, जो भी बुरा था वो अनंत काल तक सबके लिए अच्छा हो जाएगा। और केवल तभी प्रिंस मायरी अपने राज्य में आ पाएंगे। क्या कहा? वो 12 है, पर उनको लगता है कि वो 13 है। कोई चाहे कुछ भी कहे, हम 13 है। तेरा है भाईयो। कैप्टन, तुम में से कोई एक रहा है, इसलिए तुम लोग केवल 12 हो। सिर्फ 12 की बात है। तुमने ड्रैगन की बात सुन ली है, लेकिन तुम ही लोग ये कर सकते हो। पर ये बहुत खतरनाक है, ये जानलेवा भी हो सकता है। हम इनसे करवाएंगे। नहीं, इनको तभी करना चाहिए अगर ये खुद करना चाहे। जिम बटन, हमने तुम्हें घर पहुंचाने की कसम खाई है, तो हम ऐसा ही करेंगे। ए, तुम लोग जाकर जहाज तैयार करो। यहाँ तो रास्ता खत्म है। वो 12 दरवाजे जिसके बारे में ड्रैगन ने बताया वो नीचे है। बरसों से ही गेट नहीं खुला है। जवान, आओ लगाओ दम। बिल्कुल, हमें आने दो। हम दम लगाएंगे। आओ चलो दम लगाओ। सर, तुम लोग जाओ। Yeah.
सब एक एक दरवाजे पर जाओ। वापस ऊपर चले जाओ या नीचे तुम लोगों का कोई काम नहीं है। लेकिन ये सही कह रहा है जिम, अगर ये काम कर गया तो हम भी बह जाएंगे। हमारी चिंता छोड़ो, वर्ल्ड 13 एक बार हार चुके हैं, वो भी दुष्ट और शैतानी लोगों से। ये थोड़ा बहुत पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वर्ल्ड 13 अब तो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वे तो डूब जाएंगे। चलो जाओ। लुक, तुम नहीं जाओगे। तुमने उनको उनकी जिंदगी दी है, मैं तो बस उसी की खातिर जा रहा हूं। वैसे भी उनकी हेल्प के बिना हम यहां से नहीं निकल सकते। तुम बहुत मुश्किल से यहां पहुंचे हो जिम बटन, यही ठीक रहेगा। अब रुको मत। भाइयो खोल दो। जमीन को यूं ही खत्म नहीं होना चाहिए। हवा और लहरें तेज बात कर रही हैं और वो जीत रही हैं। राजकुमारी, मुझे डर है कि वो लोग कहीं डूब ना गए हो। हमें जहाज को घर की तरफ मोड़ना चाहिए। नहीं लूसी, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है राजकुमारी। लुक, मुझे अकेला मत छोड़ना। Look!
पकड़ के रखो इसे, ऊपर आ जाओ। हमने कर दिया, पकड़ रहा हूँ, आराम से, बस पहुंच गए। लुक लुक Molly? Molly! Molly! Molly, तुम ठीक हो ना? ठीक है। मुझे तो पहले से ही पता था। कोई नहीं आ सकता। बोलो लाइन चलो। लुक, जब से हम उस किले से आए हैं तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसा नहीं है दोस्त से दोस्त झूठ नहीं बोलते, ये तुम ही ने कहा था ना? थोड़े दिनों में ही देख लेना, बोरोलैंड में ज्यादा जगह नहीं बचेगी, हमें बहुत सारी जगह की जरूरत होगी। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब तुम जामवाला चले जाओगे तब बोरोलैंड तुम्हारे बिना कैसा हो जाएगा? मैं कभी भी बोरोलैंड छोड़कर नहीं जाऊंगा। यस लुक, चाहे कितने ही जामवाला मिले। जमीन आ गई। वहां ओले और बादल फट रहे हैं, अगर ये छोटा द्वीप है तो मैं तो एक कीड़ा हूं। ये नामुमकिन है, हम जरूर कहीं रास्ता भटके हैं। नहीं, हम एकदम ठीक आए हैं, मैंने खुद चेक किया है। लुक, देखो ये तो बोरोलैंड। यही तो ड्रैगन ने कहा था कि वो जमीन डूबेगी नहीं और समुंदर से जामवाला निकल आएगा, एक छोर से दूसरे छोर तक बड़े पैमाने पर। जिम, ये जामवाला ही है। Miss What? Mrs. Lee? Thing happen? Emma. मेरी प्यारी Emma. शाही जहाज तुम्हें छोड़ गया ना?
एक मिनट रुको मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए कुछ खास है। छोटी के लिए थोड़ा पीछे हो जाइए। जिम, जिम, ओ तुम वापस आ गए। जिम, ये तो तुम ही हो। एक भयानक भूकंप आया, इसलिए हम सब यहाँ छुप गए। मिस्टर फेवर, मुझे लग रहा है कि सुधार हुआ है। नहीं, मुझे बुखार हुआ है। लुटेरे, ये एक असामान्य सी घटना है जिसका जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ढूंढने की। तुम पे जचेगा ये, क्या बात है? ये क्या? ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो हद हो गई है। पकड़ लो इन्हें। नहीं, जिम, जिम, रुक जाओ। नहीं, अपने हथियार नीचे करो। मेरी बेटी कहाँ है? पापा। लिसी, तुम डरना मत मेरी बच्ची, ये तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। महाराज, अब ये वो समुद्री आतंकी वाइल्ड 13 नहीं रहे हैं, अब ये हमारे दोस्त हैं। ये सब संयोग और किस्मत है। ये सच कह रहे हैं पापा, मुझ पर भरोसा है ना? मिस वॉट महाराज, माफ कर दीजिए, मुझे भागना नहीं चाहिए था। नहीं लिसी, बल्कि मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए। तुमने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम बहुत बहादुर और शक्तिशाली हो, मैं इतना कभी नहीं था। मुझे तुम पर बहुत नाज है, और तुम्हारी माँ को भी होता। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन क्या कोई बताने का कष्ट करेगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये एक लंबी कहानी है। ये सब संयोग और किस्मत है, कोई माने या ना माने, लेकिन जिम यहाँ का प्रिंस और अंत में से वो मिल ही गया जिसकी से तलाश थी। अच्छा है। जामबाला की जमीन, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसे जिमबाला कहना ज्यादा सही होगा। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं बस जिम हूँ हमेशा के लिए। बल्कि मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा जो एक राजा की एक राजकुमार को। और गर्मा गर्म केक कौन खाना चाहेगा? मैं भी। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है मिस वॉट। आइए मिस्टर ट्रू, आप अपनी बनाई हुई कॉफी हमें पिलाना चाहेंगे? बिल्कुल। कोकोनट मिल्क के साथ।